तो दोस्तों थंबनेल देखकर आप सभी जान ही गए होंगे कि आज इस वीडियो में मैं फ्लोर लैमिनेशन का एक इंस्टॉलेशन का प्रोसेस का वीडियो दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो अगर आज का ये वीडियो आपके किसी काम आता है तो मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसा ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोज़ डालता रहता हूँ। और अगर आपको इस गाड़ी से रिलेटेड या किसी भी दूसरी गाड़ी से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी तो बिल्कुल आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, सर्च करें प्रकाश महंत। तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रंट सीट और रियर सीट सभी को बाहर निकाला जा रहा है। और ये देख सकते हैं अब जो है सभी सीट्स जो है बाहर निकल गई हैं। और पहले का जो शोरूम वाला जो मैटिंग था वो रखा हुआ है, उसे भी ये भी निकाल के साफ़ किया जाएगा। ये देख सकते हैं निकालने के बाद वैक्यूम से साफ़ किया जा रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से। और हम आज आए हैं माँ गंगई कार्स में, जिसका एड्रेस है नियर गुरुकुल स्कूल, तरेंगा रोड, भाटापारा। तो अगर आप भाटापारा से हैं या नियर बाई भाटापारा के हैं तो प्लीज़ इस कार एक्सेसरी शॉप को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मैं यहाँ का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ जाऊँगा। और ये कार एक्सेसरी शॉप का नाम है माँ गंगई कार्स। तो प्लीज़ यहाँ विज़िट कीजिएगा। और मेरे चैनल के थ्रू आप जाते हैं तो कुछ डिस्काउंट्स वगैरह आपको ज़रूर यहाँ पर मिला करेंगे। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसमें फ्लोर लैमिनेशन को रखा जा रहा है। काफ़ी अच्छे से इसमें फिटिंग किया है इन्होंने, काफ़ी बढ़िया फिटिंग, बिना किसी चीज़ का नुकसान किए, बिना कहीं पे कुछ स्क्रैच दिए या बिना कुछ तोड़े फोड़े काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन करता हुआ दिखाई देगा। और बात करें गाड़ी की, जिस गाड़ी में इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो दोस्तों ये है टाटा की नेक्सॉन XM पेट्रोल। XM नीचे से सेकेंड मॉडल है, बेस मॉडल आता है XE, उसके बाद आता है XM। तो ये XM पेट्रोल मॉडल है। तो ये देख सकते हैं फ्लोर लेमिनेशन लगने के बाद कुछ इस तरीके से कहीं कहीं पर कट्स लगाए जाते हैं ताकि जो स्क्रू नट्स वगैरह हैं यहाँ पर लगा सकें। और इसके ऊपर सीट लगता है जहाँ पर अभी कट करके निकाला जा रहा है वाले पार्ट को, इसी के ऊपर जो है सीट को रखा जाएगा, फिर उसके नट स्क्रूज वगैरह टाइट किए जाएंगे। और वायर्स भी इस तरीके से बाहर निकाले जाते हैं, जो सीट बेल्ट के एयरबैग के वायर्स होते हैं उन्हें कट करके निकाला जाता है। और देख सकते हैं फिटमेंट शुरू हो गई है। और बात करें इसके प्राइस की तो ये फ्लोर लैमिनेशन जो है हमें फिटिंग करके कंप्लीट 1900 रुपीज़ का मिला है, जिसमें कि हमें डिक्की वाले सेक्शन में भी फ्लोर लैमिनेशन करके दिया गया है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं जो पैसेंजर साइड है उस साइड का भी ये जो केबल है वो निकाल दिया गया है यहाँ से, वायर लैमिनेशन को थोड़ा सा कट करके। और ये स्क्रूज़ के लिए भी यहाँ पर जगह बना दिया गया है जहाँ पर सीट को रख करके उसे स्क्रू या नट जो भी से लॉक किया जा सके। देख सकते हैं चारों जगहों पर कट लगा दिया गया है लैमिनेशन को थोड़ा सा फाड़ करके। और ये रहा जो डिक्की के अंदर में होता है, जो नीचे में बोर्ड होता है, उस बोर्ड के ऊपर भी इसे लगाया जा रहा है लैमिनेशन को, बस चिपकाया जाता है उस बोर्ड के ऊपर में। तो ये देख सकते हैं इस बोर्ड के ऊपर लगने के बाद कैसा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अब सेफ़ हो जाएगा। अब वो बोर्ड हमेशा के लिए ही फ्रेश रहेगा, क्योंकि जो भी पानी, धूल मिट्टी जो भी रहेगा वो इस लैमिनेशन के ऊपर में आकर के रुकेगा। तो चलिए अब मैं आपको ओवरऑल इसकी जो फिटिंग हो चुकी है उसे आपको दिखाता हूँ। नहीं ठीक है।
कवर को भी बता दें, टेबल कवर में भी अच्छा अच्छा दे दे रहे हैं, टेबल कवर सिलाई वाली फर्स्ट टाइप का। उसको खा देना मार।